दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि टाटा ग्रुप के शेयर TTML से रिलेटेड निकल कर आ रही है और जिसके चलते आपको TTML के अंदर 20% का अपर सर्किट भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं TTML जहां पर पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक फ्लैट मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था, किसी प्रकार की कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अगर आप सडनली आज देखेंगे तो आज के दिन आपको शेयर के अंदर 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे जो न्यूज़ निकल कर आई है वो न्यूज़ भी काफ़ी बड़ी है, डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें कवर कराऊंगा और साथ ही साथ 1:5 के रेशो का कंपनी ने स्प्लिट भी अनाउंस किया है एक और कंपनी की, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जिसको भी हम कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे कि TTML जहाँ पर इस शेयर्स ने काफ़ी शानदार रिटर्न्स पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, ये शेयर लगभग 270 तक भी हमें जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन अगेन हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन पिछले कुछ समय से ये शेयर समय लगभग 50 रुपीज़ to 100 रुपीज़ कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के दिन हमें TTML के अंदर एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम TTML के वॉल्यूम बेस काम को भी एनालिसिस करें तो आज के दिन वॉल्यूम बेस काम में भी एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन NSE के अंदर TTML की 3,84,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 90,00,000 क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलरेबल बेस क्वांटिटी का अगर आप परसेंटेज भी देखेंगे तो लगभग 23% के करीबन हमें यहाँ पर डिलरेबल बेस काम देखने को मिल रहा है। बात करें TTML से रिलेटेड क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो आप देख सकते हैं टाटा न्यू जो कि TTML से रिलेटेड ही हमें देखने को मिलता है, टाटा का सुपर ऐप की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो ऑफिशियल न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि टाटा न्यू सेट टू टेक ऑन जीरोदा एंड ग्रो विथ स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर टाटा न्यू प्लान कर रहा है, यानी कि टाटा का सुपर ऐप प्लान कर रहा है जीरोदा और ग्रो को टेक ओवर करने का, यानी कि खरीदने का। और इसके पीछे के अगर रीज़न की बात करें तो स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के अंदर अब टाटा ग्रुप भी उतरना चाहता है और उसके लिए हमें ये काफ़ी बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं टाटा न्यू इज लाइकली टू स्टार्ट ऑफरिंग कॉम्पिटिशन टू जीरोदा ऑफ स्टॉक्स एंड ग्रो काइंड ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज सून। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। अब ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि टाटा जीरोदा और यहाँ पर ग्रो को एक्वायर करता है या फिर नई यहाँ पर जो सर्विसेज है, जो नया यहाँ पर ब्रोकर ऐप है वो यहाँ पर लेकर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमें ये देखना। आप देख सकते हैं टाटा डिजिटल इन्वेस्ट $75 बिलियन इन फिटनेस स्टार्टअप क्योर फिट इन June 2021 एंड अपॉइंटेड बंसल एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है, रिसेंटली ये न्यूज़ निकल कर आई है और इस न्यूज़ के आते ही ऑल ओवर मार्केट के अंदर हमें टाटा ग्रुप वापस फोकस में देखने को मिल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो अगेन हमें टाटा का जो सुपर ऐप है वो बहुत तेज़ी से ग्रो होते हुए देखने को मिल सकता है और उसका एक सीधा बेनिफिट TTML को मिलने वाला है, क्योंकि अगर आपको पता हो कि टाटा के जब सुपर ऐप के आने की वेटिंग चल रही थी तब भी हमें TTML के अंदर काफ़ी शानदार मूवमेंट देखने को मिले थे। आज के दिन हमें TTML के अंदर काफ़ी बड़ी बल्क डील्स भी होते हुए देखने को मिल रही है, लगभग 45,00,000 शेयर्स की बल्क डील भी आज के दिन TTML के अंदर कंडक्ट हुई है। तो यदि आपने TTML के अंदर खरीदारी कर रखी है तो अब यहाँ पर जो इसके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 120 रुपये तक के टारगेट आप इस शेयर्स के अंदर लेकर चल सकते हैं, 100 रुपीज़ का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में जिसका नाम है TD Power। जी हाँ दोस्तों, TD Power सिस्टम लिमिटेड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आज के दिन आपको इस शेयर्स के अंदर 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आज के दिन TD Power सिस्टम लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी बड़ा दिन था, पिछले एक महीने में कंपनी 111% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। और अगर आप TD Power सिस्टम लिमिटेड के अगर आप चार्ट को देखेंगे, अगर आप इनके जो रिटर्न परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कंसिस्टेंसी से रिटर्न्स कंपनी ने बनाकर दिए हैं। बीच में हमें मार्च अप्रैल मंथ में थोड़ा सा अपडाउंस भी देखने को मिला था, लेकिन अगेन
अभी अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी से रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर लास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो लगभग 170% के रिटर्न कंपनी यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। तो ओवरऑल रिटर्न परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स के बारे में और साथ ही साथ कंपनी की तरफ से क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज के दिन निकल कर आई है। TD पावर सिस्टम लिमिटेड के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज के दिन मीटिंग थी जहां पर कंपनी स्प्लिट को लेकर अनाउंसमेंट करने वाली थी। तो आप देख सकते हैं 30 अगस्त 2022 आज ही के दिन ये न्यूज़ निकल कर आई है जहां पर TD पावर बोर्ड अप्रूव्स स्टॉक स्प्लिट इन 1:5 रेशियो, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रही है। यहां पर आप देख सकते हैं स्प्लिट का रेशो कंपनी ने अनाउंस कर दिया है और इसके चलते आज के दिन हमें शेयर्स के अंदर इंट्राडे सेशन में लगभग 6% की तेजी भी देखने को मिल चुकी है। देख पाएंगे आप टीडी पावर ऑन 30 अगस्त अनाउंस दैट इट बोर्ड हैड गिवन इट्स अप्रूवल फॉर स्टॉक स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ 1:5 द सब डिविजन ऑफ 1 इक्विटी शेयर विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 विल बी स्प्लिट इन टू 5 इक्विटी शेयर ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹2। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर के बदले कंपनी 5 शेयर आपको स्प्लिट के रूप में देगी। स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है, जो एक्स डेट है, वो अभी तक अनाउंस नहीं करी गई है। अभी यहाँ पर शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल आना बाकी है। जैसे ही शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद में यहां पर आपको रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या आपको इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जून क्वार्टर्स के नंबर्स कंपनी ने डिक्लेयर कर दिए हैं, जहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। 204 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू जून क्वार्टर में डिक्लेयर किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% की जंप हमें देखने को मिल रही है। नेट इनकम की बात करें तो कंपनी ने 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी जनरेट किया है। बहुत ही शानदार प्रॉफिट हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर रेशो भी देखेंगे तो वो भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 104% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमें 123% से ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। 22 करोड़ रुपए की कंपनी ने ऑपरेटिंग इनकम भी जनरेट करी है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे तो टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड के फाइनेंशियल नंबर्स भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो यदि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मन बना सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स नंबर्स के साथ कंपनी की रिटर्न परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर आप अगर पोजिशंस बनाना चाहते हैं तो इस कंपनी की तरफ आप जा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक आप ही के अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल बाजार की खबर को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप बाजार की खबर को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में हर एक स्टॉक मार्केट की अपडेट का बेनिफिट उठा सकते हैं।